नमस्कार जे -E के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज हम वर्ग पाँच के गणित के पाठ भिन्न की चर्चा करेंगे पिछले पाठ में हमने भिन्न की अवधारणा को कुछ हद तक स्पष्ट किया था आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि वह अवधारणा यानी भिन्न की अवधारणा और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए ये जो हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में दो बटा तीन ये हमारा भिन्न है इसमें ऊपर वाले को बोलते हैं हम अंश या न्यूमरेटर और ये बटा से जो नीचे है इसे बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ आप देख रहे हैं ये मटर के छिम्मी दाने हैं मटर के छिम्मी है इन्हीं की सहायता से आज हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे इस भिन्न की अवधारणा को तो कुछ हम पहले उदाहरण लेते हैं 20 मटर छिम्मी का एक बटा दो बीस मटर छीमी का एक बटा चार पंद्रह मटर छिम्मी का एक बटा तीन सोलह मटर छिम्मी का एक बटा आठ पच्चीस मटर छिम्मी का तीन बटा पांच इसके क्या अर्थ होते हैं ये हम समझेंगे बीस मटर छिमी का एक बटा दो हम बीस मटर छिमी लेते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ये बीस मटर छिमी हमारे पास हैं इसका एक बटा दो क्या होगा तो निश्चित रूप से हम थोड़ा अलग अलग करते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं कि हमें एक बटा दो करना है यानी दो भाग में करना है हमने दो भाग में कर दिया दस इधर दस इधर तो एक बटा दो का अर्थ हुआ कि इस दो का एक भाग यानी दस मटर छिमी तो ये हमारा बीस मटर छिमी का एक बटा दो कितना हो गया दस मटर छिमी अब फिर से हमें देखना है बीस मटर छिमी का एक बटा चार क्या होगा फिर से हम इसे उसी तरह से सजा दे रहे हैं एक बटा चार तो ये हमारा एक बटा दो हो गया इस एक बटा दो से यानी ये एक बटा दो से फिर हम इसका आधा ले ले रहे हैं तो ये हमारा हो गया एक बटा चार चार भाग में हमने कर दिया इसे देखिए एक बटा चार का अर्थ क्या हुआ ये नीचे वाले चार का अर्थ हुआ कि हमें इसे चार भाग में करना है और उसका एक भाग तो चार भाग हमने किया उसका एक भाग हम लेते हैं तो ये कितने हो गए पांच एक दो तीन चार पांच अब पुनः दूसरा हम देखते हैं पंद्रह मटर छीमी तो ये हमने पंद्रह लिया इस बार इसका हमें एक बटा तीन निकालना है तो स्पष्ट हम देख रहे हैं कि ये पंद्रह में हमारे पांच पांच के तीन समूह बन जा रहे हैं चूंकि हर में हमारा तीन है इसलिए हम इसे तीन भाग में कर रहे हैं और इसका एक भाग लेना है तो ये हमने एक भाग इसका ले लिया तो हमारा पंद्रह मटर छीमी का एक बटा तीन हो गया पांच। यहाँ भी ये पांच हुआ था अब है सोलह मटर छीमी का एक बटा आठ तो फिर से हम ये करते हैं ये ये पंद्रह और एक और ले लिया सोलह इसका एक बटा आठ तो इसे हम आठ समूह में पहले करते हैं एक ये दो ये तीन ये चार ये पांच ये ये सात और ये आठ ये सोलह मीटर छिमी को हमने आठ समूह में बांट दिया तो एक बटा आठ का अर्थ हो गया इसका एक भाग हमने ले लिया ये तो हमारा हमने देखा कि सोलह मटर छीमी का एक बटा आठ हो गया हमारा कितना दो मटर छीमी तो ये हो गया दो अब एक और देखते हैं पच्चीस मटर छिमी का तीन बटे पांच तो हम पच्चीस लेते हैं फिर से एक दो तीन चार पाँच फिर एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच और ले लिया हमने एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच तो ये हो गया पाँच और दो चार पच पाँच पाँच दस फिर ये पंद्रह और ये बीस और ये पच्चीस तो पच्चीस मीटर छिमी को हमने पांच समूह में बांट दिया हमें कितना चाहिए पच्चीस मीटर छिमी का तीन बटा पांच तो ये नीचे वाले पांच का अर्थ हो गया कि हमें कितने समूह में बांटना है तो ये हमने पांच समूह में बांट दिया अब ऊपर यानी अंश वाले तीन का अर्थ हुआ कि इसमें से तीन हमें लेना है तो एक या अलग कर देना है ये तीन हमने अलग कर, कर दिया तो ये तीन कितने हुए ये तीन हो गए कितने पांच पांच दस और पांच पंद्रह तो पच्चीस मीटर छिमी का एक तीन बटा पांच हो गया हमारा पंद्रह हमने ये गतिविधि हमने जो गतिविधि किया ये हमारे पास मटर छिमी था इससे किया आप आ, कुछ भी ले सकते हैं गोलियां गोलियों से कर सकते हैं ये गतिविधि या कंकड़ से या पत्ते से जो भी आपके पास हो उससे इस गतिविधि को बार बार आप दोहराएं और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा इसी चीज़ को थोड़ा सा और हम स्पष्ट करते हैं एक दूसरे गतिविधि से हमारे पास ये एक चित्र है इसमें बॉक्स बने हुए हैं कितने बॉक्स हैं आप गिने एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ इस चित्र में हमें तीन बटा नौ बॉक्स को रंगना है या अलग करना है तो कैसे करेंगे आप भी करें हम कोई भी तीन बॉक्स को रंग लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा तीन बटा नौ हमने पहले से रंग के रखा है ये इस बॉक्स में तीन बटा नौ रंगना था तो आप देखें कि यहां हमने इस नौ में तीन को रंग दिया है तो ये हमारा हो गया तीन बटा नौ भाग रंगा हुआ है एक और गतिविधि या प्रश्न हम ले रहे हैं यह हमारे पास एक चित्र है इस चित्र में आप देखें कितने भाग किए हुए हैं कितने बॉक्स हैं गिनकर देखें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस 33, चौंतीस पैंतीस अर्थात ये पैंतीस भाग में बटे हुए हैं बराबर बराबर भाग में ठीक है तो रंगा हुआ कुल भाग हमें पता करना है कि जितने में रंग किया हुआ है वो कितने हिस्से का है कितने भाग का है तो सबसे पहले तो हमने आ, इसे कितने भागों में बांटा है वो ये हम नीचे लिखते हैं पैंतीस भाग में बांटा है अब इसमें से रंगा कितना है इसको हम गिन लेते हैं कितने भाग में कितने बॉक्स में रंगा हुआ है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये तेरह भाग में रंगा हुआ है अर्थात रंगा हुआ कुल जो भाग हो गया वो तेरह बटा पैंतीस इसका अर्थ यह हो गया कि पैंतीस में तेरह भाग रंगा हुआ है अब बिना रंगा हुआ भाग फिर पैंतीस में कितना भाग रंगा हुआ नहीं है जितना नहीं रंगा हुआ है वो ऊपर लिखेंगे जिसे हम अंश बोलते हैं तो ये कितना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तो ये बाईस बटा पैंतीस भाग रंगा हुआ नहीं है अर्थात पैंतीस भाग में हमने बांटा उस पैंतीस का बाईस भाग रंगा हुआ नहीं है अब है अगला प्रश्न लाल रंग से रंगा हुआ भाग लाल रंग से कितने भाग को हमने रंगा है तो सबसे पहले फिर से हम यहां नीचे लिखते हैं पैंतीस यानी पैंतीस भाग में हमने बांटा अब इस पैंतीस में कितने को रंग लाल रंग से रंगा है एक दो तीन तो लाल रंग से रंगा हुआ भाग हो गया हमारा तीन बटा पैंतीस इस इसी तरह से हरे रंग से रंगा हुआ भाग गिनते हैं एक दो तीन चार यानी चार बटा पैतीस और काले रंग से रंगा हुआ भाग एक दो तीन चार पांच तो ये हो गया हमारा पांच बटा पैंतीस आशा है कि भिन्न की अवधारणा अब आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे इसे और ज्यादा क्लियर तब होगा जब आप अपने अभ्यास के प्रश्नों को बनाएंगे और वहाँ कहीं कोई परेशानी आती है तो फिर अपने शिक्षक से पूछें आपका ये भिन्न का जो भी अवधारणा है जो भी समझ है वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा धन्यवाद